वेलकम स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्व मध्य युग में शैव, शाक्त और वैष्णवों के प्रति दृष्टिकोण, जो कि आपका बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर 4 के पेपर में एक लेसन है बेटे, जिस पेपर का नाम है भारतीय उपमहाद्वीप में धार्मिक परंपराएं, इंग्लिश में रिलीजियस ट्रेडिशंस इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। NEP 2020 के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस आया है, नया कोर्स जो आया है, उसमें ये पेपर शामिल है बेटे। तो पेपर आज जो हम पढ़ने वाले हैं वीडियो, उसका नाम है पूर्व मध्य युग में शैव, शाक्त और वैष्णवों के प्रति दृष्टिकोण। बेटा लंबा चैप्टर है ये, इसके कम से कम 2 या 3 वीडियो बनेंगे बेटा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग। विविध धार्मिक परंपराओं और प्रथाओं के साथ शैववाद और वैष्णववाद हिंदू आस्था की 2 सबसे प्रमुख अभिव्यक्तियां, यानी कि हिंदू आस्थाओं में, हिंदू परंपराओं में, हिंदू धार्मिक मान्यताओं में शैववाद और वैष्णववाद 2 बहुत ही प्रमुख अभिव्यक्तियां, 2 बहुत ही ज्यादा सबके माने जाने वाले ट्रेडिशन है बेटा, परंपराएं हैं। इन धार्मिक परंपराओं ने भगवान शिव और भगवान विष्णु को सर्वोच्च देवता के रूप में सम्मानित किया है। यानी कि हमारे कुछ लोग हैं कि जो शिव को सबसे बड़ा देवता मानते हैं, कुछ लोग विष्णु को मानते हैं, हालांकि ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे यहाँ त्रिदेव माने जाते हैं, लेकिन इससे पहले भी यहाँ पर शिव को और विष्णु को सर्वोच्च देवता के रूप में माना जाता रहा है बेटा। मध्ययुगीन भक्ति आंदोलनों ने एक धार्मिक परंपराओं को इनको आगे बढ़ाने, धार्मिक और दार्शनिक दोनों क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मध्ययुगीन जो भक्ति आंदोलन थे, जबकि आपको याद होगा बेटा गुरु नानक हुए, कबीरदास जी हुए, रहीम दास जी हुए, सूरदास जी हुए, उस दौरान जो धार्मिक परंपराएं चल रही थी उनको आगे बढ़ाने में, उनको आगे विकास करने में, उनमें इन दोनों की दोनों जो परंपराएं थी, वैष्णववाद की और शैववाद की, इन दोनों ने बहुत ज्यादा सहयोग किया, बहुत उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन धार्मिक परंपराओं का भारतीय समाज पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और आज भी हमारा समाज, भारतीय समाज जो है, हिंदू समाज है, उनको पूरी तरह से पालन करता भी है। ये आज भी भारतीय समाज की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। ब्रह्म हमारे यहाँ 3 देवता माने गए मुख्य बेटा, शुरू से ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव, शिव को महेश भी कहा जाता है। तो ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा को माना जाता था कि सृजन करते हैं, इज द क्रिएटर, यानी कि सारी सृष्टि के संरचना उन्होंने किया, सब कुछ उन्होंने रचा है, सारा का सारा संसार ब्रह्मा ने बनाया है, सब चीजों की रचना ब्रह्मा ने की। इसके बाद विष्णु के बारे में माना जाता है कि विष्णु जो है वो हमारे पालनहार है, हम सबके एक तरीके से पालन पोषण का सारा काम जो है वो विष्णु जी देखते हैं, और शिव जो है वो संहारक है और वो मृत्यु के देवता माने जाते हैं। यानी कि ब्रह्मा ने जन्म दिया, विष्णु ने पाला और शिव ने हमारा संहार किया, तो इन तीनों को ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है बेटे। तो शैववाद और वैष्णववाद दोनों भारत में प्राचीन आस्थाएं हैं, बहुत प्राचीन आस्थाएं हैं, जिनके देवताओं के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संदर्भ हमारे वेदों में भी मिलते हैं। वैदिक हमारे बेटा वेद जो है सबसे पुराने, दुनिया के सबसे पुराने लिखे हुए ग्रंथ माने जाते हैं, और उनमें भी शिव और वैष्णव की चर्चा मिलती है। हालांकि शिव और विष्णु के बारे में वैदिक समझ इतनी विकसित नहीं थी कि उन्हें सर्वोच्च देवता माना जा सके। वहां शिव की और विष्णु की चर्चा तो मिलती है, लेकिन वहां ये चर्चा नहीं मिलती है कि ये सबसे बड़े देवता हैं। शैववाद भगवान शिव की आराधना संबंधी पंथ है, जिसमें शिव को ब्रह्मांड का विनाशक माना जाता है, कि वो चीजों को नष्ट करते हैं, खत्म करते हैं। तो भगवान शिव को महादेव के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है महान भगवान या वो देव जो महान है। अगर इसका आप समास करते हैं, समास विग्रह करते हैं, तो महान है जो देव, महादेव। उन्होंने अक्सर, उन्हें जो दिखाया जाता है अक्सर, आप किसी मूर्ति में देखेंगे, किसी तस्वीर में देखेंगे, तो शिव को हिमालय में ध्यान करते हुए एक योगी की तरह से चित्रित किया जाता है। शैव धर्म विभिन्न धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं को समाहित करता है, जिसमें भारत भर के विभिन्न संप्रदाय पनप रहे हैं। पूरे भारत में शैव धर्म अलग अलग पंथों में, अलग अलग संप्रदायों में पनपता रहा है बेटा। जैसे कि कश्मीर में शैववाद रहा, कर्नाटक का लिंगायतवाद रहा, और तमिलनाडु के नयनार, ये सभी के सभी शैव धर्म है, शिव को मानने वाले हैं ये सभी के सभी संप्रदाय। तो पूर्व मध्य युग में शैव, शाक्त और वैष्णवों के प्रति क्या दृष्टिकोण होता था, इसके बारे में हम जानेंगे। पूर्व मध्ययुग यानी कि मध्ययुग से पहले, उस युग में अनेकानेक शैव मंदिरों के निर्माण के साथ शिव की महिमा से संबंधित उत्कृष्ट साहित्य की रचना हुई। उस टाइम पर बहुत सारे शिव मंदिर बने और शिव से जुड़े हुए साहित्य की भी रचना हुई। गुप्त काल में शैव धर्म का पर्याप्त विस्तार हुआ। गुप्त काल जो चल रहा था मध्य काल से पहले, उस टाइम पर शैव धर्म का काफी विस्तार भी हुआ। गुप्त सम्राट वैष्णव
धर्मावलंबी थे। गुप्त सम्राट जो थे वो सभी के सभी वैष्णव हुआ करते थे, यानी कि विष्णु को मानने वाले थे, लेकिन शैव धर्म का भी यथोचित प्रचार हुआ करता है, यानी कि उनको एक तरीके से शिव से भी कोई आपत्ति नहीं थी, शिव के धर्म से भी कोई आपत्ति नहीं हुआ करती थी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का जो मंत्री था वीरसेन, वो भी शैव था। कुमार गुप्त प्रथम के मंत्री पृथ्वीसेन ने शिव मंदिर को दान प्रदान किया था। यहाँ से पता चलता है कि उस टाइम भी शिव का प्रचार, शिव भक्ति का प्रचार चल रहा था। स्कंदगुप्त का एक अधीनस्थ सामंत महाराज हस्तिन शिव उपासक था, शिव का उपासक था। स्कंदगुप्त के बैल प्रकार के सिक्के उसकी शैव धर्म की प्रति आस्था को व्यक्त करते हैं। स्कंदगुप्त के सिक्के हैं जिनमें कि बैल छपा हुआ है, वो सिक्के भी कहीं ना कहीं पशुपतिनाथ यानी कि शिव की आस्था के बारे में हमें संदेश देते हैं। इस युग में साहित्य के विभिन्न स्वरूपों, मतों और सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। कालिदास के साहित्य में गोकर्ण के शिव, काशी के विश्वनाथ और उज्जैन के महाकाल ज्योतिर्लिंग का संकेत मिलता है, यानी कि कालिदास जी ने जो साहित्य लिखा उसमें गोकर्ण में शिव है उनका हमें चर्चा मिलता है। काशीनाथ के विश्वनाथ मंदिर की हमें चर्चा मिलती है और उज्जैन के महाकाल ज्योतिर्लिंग का भी वो संकेत देते हैं कि उस टाइम पर ये मौजूद थे। शिवोपासना का लिंग पूजा से संबंध अति प्राचीन है, मतलब शिव की उपासना करने वाले लिंग पूजा करते हैं और ये बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। हालांकि ऋग्वेद में लिंग पूजा को घृणा की दृष्टि से देखा गया था, पुराणों में भी लिंग पूजा का उल्लेख मिलता है। मत्स्य पुराण के अनुसार त्रिपुर के दग्ध होने के समय, मतलब जब त्रिपुर जल रहा था उस टाइम वानासुर ने शिवलिंग को सिर पर रखा और शिव की पूजा की थी। मत्स्य में मध्यमार्गी और अतिवादी दोनों ही संप्रदाय हुए। मत्स्य पुराण में मध्यमार्गी भी मिलते हैं और अतिवादी भी, दोनों ही संप्रदाय मिलते हैं। मध्यमार्गी होते हैं कि जो ये भी सही है वो भी सही है क्योंकि डिप्लोमेटिक बन के निकल जाते हैं, और अतिवादी होते हैं जो एक को लेकर के अड़े रहते हैं कि बस यही सही है। तो गुप्त काल में पाशुपत संप्रदाय का विकास हुआ, गुप्त काल में ही, और शैव मत को बंगाल के शशांक, थानेश्वर, कन्नौज के पुण्य भूमि वंश के शासकों और वल्लभी के मैथकों ने भी संरक्षण प्रदान किया, मतलब इनको बहुत पुराने टाइम से ही पूरे भारत में संरक्षण मिल रहा था। पूर्ण राजा मेहरकुल भी शैव मतावलंबी थे। इनमें से बेटा जितने आपको याद रह जाएंगे उतना ही आपके आंसर को जस्टिफाई करने के लिए अच्छे रहेंगे। शिव जो है, शैव भक्त है जो कि शिव का जो शैव जो पंथ है ये हमारे देश में कितना पुराना है उसको साबित करने के लिए आपको ये एविडेंस देने पड़ेंगे। साथ में सातवीं शताब्दी के मध्य में चीनी यात्री ह्वेन सांग जब भारत आए थे तो पाशुपतों के संप्रदाय का और महेश्वर के उन मंदिरों का उन्होंने वर्णन किया है जिसमें पाशुपत पूजा करते थे, उन्होंने अपने राइटिंग्स में इसका वर्णन किया है ह्वेन सांग ने सातवीं शताब्दी में। शैव धर्म अपनी प्राचीन उत्पत्ति के कारण एक महत्वपूर्ण धर्म है और आज भी कई अनुयायियों के बीच इसकी जीवंतता जारी है। आज भी शिव को पूजने वाले बहुत से लोग हैं। शैववाद का केंद्र सर्वोच्च भगवान के रूप में शिव की पूजा है। शैववाद जो है उसका फोकस इसी बात पर होता है कि शिव सबसे बड़े भगवान हैं और हमें उन्हीं की पूजा करनी है। शैव धर्म की उत्पत्ति वैदिक या गैर वैदिक स्रोतों से हुई या नहीं, इस पर आज भी विद्वानों की अलग अलग राय है। कुछ लोग कहते हैं कि शिव की उत्पत्ति, शैव धर्म की उत्पत्ति वैदिक ग्रंथों से हुई, वैदिक स्रोतों से हुई। कुछ कहते हैं कि नहीं, उस टाइम पर शिव का अस्तित्व नहीं था। हालांकि सर जॉन मार्शल, जी यू पोप, जी स्लेटर और मजीनिया आदिकल सहित कुछ लोग इसे वैदिक परंपरा से अलग एक स्वदेशी द्रविड़ परंपरा के रूप में देखते हैं और इसकी पूर्व आर्यन और पूर्व वैदिक उत्पत्ति का तर्क देते हैं। इसके विपरीत के ए नीलकंठ शास्त्री जैसे विद्वान शैव धर्म की वैदिक उत्पत्ति का समर्थन करते हैं कि ये वैदिक काल से ही था। शैव धर्म का एक समृद्ध इतिहास है, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो बेटा बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, हालांकि आपके सिलेबस में बहुत प्रिसाइज करके दिया गया है। ये भारत और संभवतः दुनिया के सबसे पुराने धर्मों से एक है। शैव धर्म अपनी प्राचीन उत्पत्ति और आज भी असंख्य अनुयायियों के साथ इसकी निरंतर जीवंतता के कारण एक महत्वपूर्ण धर्म बना हुआ है। बेटा शिव को मानने वाले पुराने टाइम में भी बहुत लोग थे और आज भी बहुत लोग हैं जो शिव की उपासना करते हैं। शैववाद में शिव की सर्वोच्च मान्यता मानी जाती है, शिव को ही सर्वोच्च देवता माना जाता है। दूसरी बात है वैष्णववाद। वैष्णववाद भगवान विष्णु की आराधना संबंधी पद्धति है जिसमें जिन्हें ब्रह्मांड का संरक्षक माना जाता है, पालन करने वाला माना जाता है। भगवान विष्णु को नारायण के नाम से भी जाना जाता है जिसका मतलब है जल पर विश्राम करने वाला, क्योंकि आप देखेंगे क्षीर सागर में भगवान विष्णु की मूर्ति हमें दिखाई पड़ती है सब के ऊपर लेटी हुई और लक्ष्मी उनके चरण दबाती हुई आपको दिखती हैं। तो शेष नाग गोल करके हुए उनकी शैया पर विष्णु लेटे हुए दिखाई पड़ते हैं हमें और लक्ष्मी उनके पास बैठी हुई होती हैं, इसलिए इन्हें नारायण भी कहा जाता है जो कि जल में विश्राम करता है। उन्हें अक्सर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले श्याम वर्ण के देवता के रूप में चित्रित किया जाता है।
वैष्णववाद विविध धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं को समाहित करता है जिसके विभिन्न संप्रदाय पूरे भारत में पनप रहे हैं। जैसे शैववाद के अलग अलग संप्रदाय बेटा पूरे भारत में हैं, ठीक उसी तरीके से वैष्णववाद के भी बहुत सारे संप्रदाय पूरे भारत में हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो तमिलनाडु का श्री वैष्णववाद, राजस्थान का पुष्टि मार्ग, बंगाल का गौड़ीय वैष्णववाद शामिल है इसमें, जो कि अलग अलग जगह पर विष्णु की पूजा की जाती है। भक्ति आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था जो कि दक्षिण भारत में उत्पन्न हुआ और फिर बाद में पूरे भारत में फैल गया था। आपने भक्ति आंदोलन वाले पाठ में पढ़ा होगा बेटे। व्यक्तिगत ईश्वर की पूजा और मोक्ष प्राप्त करने में भक्ति और प्रेम के महत्व पर जोर दिया जाता रहा हमेशा से। भक्ति आंदोलन का भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने जाति और लिंग की बाधाओं को तोड़ने में मदद की। जब भक्ति आंदोलन चले, हमारे यहाँ आपने पढ़ा बेटा निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, सही तरह के आंदोलन चले, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, तो इस दौरान ये एक अच्छी चीज हुई कि लोगों के बीच में से जाति पाति के भेदभाव निकलने लगे और सभी के सभी अपने आप को एक समूह मानने लग गए। तीसरा रहा बेटा शक्ति संप्रदाय। शक्ति संप्रदाय जो था वो सर्वोच्च देवी शक्ति की आराधना करके देता है। यहाँ पर एक नारी को एक शक्ति मानते हैं। यहाँ पर ये शक्ति संप्रदाय ईश्वर की परिकल्पना स्त्री देवता के रूप में ये करते हैं। शाक्त संप्रदाय की जड़ें जो हैं वो ऐतिहासिक पृथ्वी की परिकल्पना को धार्मिक रूप में महान माता के रूप में मानने और इस धारणा से विकसित हुई। उनका मानना है कि पृथ्वी जो है ये एक माता है, एक नारी है और शक्तिशाली है। वो लोग नदी को जो है क्या कि माता मानते हैं, पृथ्वी को माता मानते हैं, प्रकृति को माता मानते हैं और यहाँ से स्त्री को एक शक्ति मानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य जैसे टेराकोटा में महिला मूर्ति मिलती है जो कि एक तरह से जिसे मृण्य मूर्ति कहा गया, टेराकोटा की एक मूर्ति मिली है जो कि महिला की मूर्ति है, मातृ देवी के महत्व को दर्शाती है। यानी कि उस टाइम पर मातृ देवी की पूजा हुआ करती थी। वैसे तो मातृ देवी की उपासना का सूत्र पूर्व वैदिक काल में भी खोजा जा सकता है, लेकिन शक्ति की उपासना का शाक्त संप्रदाय वैदिक काल जितना ही प्राचीन है, यानी कि जो वैदिक काल है उतना ही प्राचीन है हमारा शक्ति की उपासना का भी शाक्त संप्रदाय, तो वैदिक काल में भी खोजा जा सकता है इसका प्रमाण, लेकिन इतना ही माना जाता है कि वैदिक काल के बराबर ये प्राचीन है। इसके मूल तत्व के साथ इसे मतलब कि प्रकृति के साथ, प्रकृति को मूल तत्व कहा जाता है बेटा, यानी कि मूल तत्व के साथ आत्मा के सम्मेलन का प्रतीक कह करके इसे दार्शनिक प्रामाणिकता प्रस्तुत की गई है। शुरू से ही बेटा प्रकृति और पुरुष का मिलन कहा गया जिसे, जो कि तत्व और परमात्मा का मिलन रहा। एक तरीके से यहाँ पर प्रकृति जो थी वो नारी थी, या तत्व जिसे कहा गया वो नारी थी बेटा। माना गया है कि सहचर नारी तत्व में एक प्रकार की सक्रियता और व्यक्तित्व विद्यमान है। जो भी सहचर नारी तत्व है, यानी कि जो हमारे इंसान की आत्मा के साथ साथ जो चीजें चल रही हैं, जल है, वायु है, अग्नि है, इन सब में कहीं ना कहीं एक नारी तत्व विद्यमान है। तो वेद इस बात का प्रमाण देते हैं कि अनुष्ठान मुख्य रूप से विभिन्न देवताओं के सम्मान में किए जाते थे, लेकिन कुछ भजनों में देवी देवताओं के नामों का भी उल्लेख मिलता है। तो वेद जो है वो इस बात का प्रमाण देते हैं कि पुराने टाइम में देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, देवताओं को स्मरण करने के लिए ही भजन गाए जाते थे, लेकिन कुछ भजन ऐसे भी मिलते हैं जिनमें देवियों के नाम भी साथ में आ जाते हैं। तो ऋग्वेद के भजनों में महिला देवताओं को कभी कभी सामूहिक रूप से देवताओं की पत्नियां कहकर के भी संबोधित किया गया है। दो देवियां उषा भोर की देवी और वाग वाणी की देवी भजनों में हमेशा प्रमुखता से सामने आती रही हैं, यानी कि उषा और वाग का बार बार चर्चा होता रहा है, बार बार इनका पूजनीय रही हैं, हमेशा से इनकी हमेशा से चर्चा होती रही है। इसलिए महिला देवियों की पूजा शक्ति जो है एक तरीके से माना जाता है कि वैदिक काल से ही शाक्त संप्रदाय जो है वो बना हुआ है। तो प्रारंभिक वैदिक साहित्य में दुर्गा, काली, अंबिका, उमा और अन्य नाम जो बाद में शाक्त पंथ में केंद्रीय देवता बन गए का व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से उल्लेख मिलता है। प्रारंभिक वैदिक साहित्य में भी इन सब नामों को हमें पढ़ने के लिए मिल जाता है बेटा। तो ये सारे के सारे प्रमाण हमें आदि काल से ही मिलते हैं, वैदिक काल से ही मिलते हैं कि शैववाद, विष्णुवाद और शक्तिवाद ये तीनों के तीनों हिंदू संप्रदायों के जो पंथ थे, तीनों के तीनों जो वाद थे, तीनों के तीनों जो परंपराएं थी, धार्मिक परंपराएं थी, वो वैदिक समय से ही चली आ रही हैं। यानी कि बहुत पुरानी परंपराओं में से एक हैं, चाहे वो शैववाद हो, चाहे वो विष्णुवाद हो, चाहे वो शक्तिवाद हो, तीनों के तीनों ही परंपराएं हमारी बहुत पुरानी धार्मिक परंपराएं हैं। अब शैववाद का मैं अलग से आपके लिए वीडियो बनाऊंगी बेटा, विष्णुवाद का अलग से बनाऊंगी और शक्तिवाद का अलग से बनाऊंगी बेटे, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है, अगर मैं जल्दबाजी करूंगी तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए मैं सबके आपके लिए अलग अलग वीडियो बनाऊंगी बेटा। देखते रहिए आप लोग, बहुत आराम से आपको समझ में आएगा। पेपर में अभी काफी टाइम है, आप लोग आराम से समझ सकते हैं। सारे के सारे वीडियो मैं आपके लिए बहुत आसान भाषा में बना रही हूँ बेटे, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए बेटा। आपकी परीक्षाओं के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में
में पूछ सकते हैं, कोई चीज छूट गई है, किसी चीज में आपको लग रहा है कि चीज और क्लियर होनी चाहिए, तो मैं आपके आने वाले वीडियोज में क्लियर कर दूंगी बेटा, कहीं भी आपको कुछ डाउट है तो। और पढ़ते रहिए बेटा, लिखने की अपनी जो लिखने की प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। परीक्षाओं के लिए एक बार फिर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, और बेटा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।